आप देख रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं इसकी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह आज बात विधानसभा की होगी। हालांकि मुद्दा एक दूसरे से पूरी तरह से विपरीत है। दस एक जगह परंपरा की दुहाई है तो दूसरी जगह वास्तु के लेकर विचार है। चलिए पहले रुख छत्तीसगढ़ से करते हैं, क्योंकि यहां विधानसभा के इतिहास में पहली बार राज्यपाल के अभिभाषण का विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि एक साल में दो बार राज्यपाल का अभिभाषण और उस पर चर्चा की जाएगी, यह मान्य संसदीय परंपराओं के विपरीत है। जिसके बाद बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन से बहिर्गमन कर गए, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी गलत परंपरा स्थापित होने का आरोप लगाते हुए अपने सदस्यों के साथ बीजेपी का साथ दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि परंपरा की दुहाई देकर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करना आखिर कितना जायज है। वहीं भूपेश सरकार ने विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद विशेष सत्र को क्यों एक दिन में ही समेट लिया, इस पर आज विस्तार से चर्चा होगी। इसके साथ ही बात मध्य प्रदेश की भी करेंगे, जहां विधानसभा में बड़े मुद्दों से इतर विधानसभा के वास्तुदोष को लेकर शोरगुल है। गौरा सीट से कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा की हाल ही में हुई मौत के बाद प्रदेश के कई विधायक इस कदर खौफ में हैं कि वो विधानसभा के वास्तुदोष को दूर करने की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने तो आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इसके साथ उन्होंने काशी से विद्वानों को बुलाकर अनुष्ठान कराने का सुझाव भी दे डाला। इधर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी भार्गव की बातों का समर्थन करते नजर आए, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई वास्तुदोष की वजह से विधायकों की मौत हो रही है या फिर ये सिर्फ अंधविश्वास है, ये भी जानने की आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, क्योंकि यहां परंपरा की दुहाई देकर राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार हुआ है। तो भूपेश सरकार ने 126वें संविधान संशोधन यानी एससी एसटी के आरक्षण में 10 साल की बढ़ोतरी किए जाने का प्रस्ताव अनुसमर्थन करने के लिए एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था, क्योंकि नए साल के पहले सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण कराए जाने की परंपरा रही है। लिहाजा सरकार ने सत्र के एक दिन पहले कैबिनेट मीटिंग कर अभिभाषण को मंजूरी भी दी थी। वहीं आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई और राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होने वाला ही था, उसके पहले विपक्ष वॉकआउट कर गया। बहिर्गमन सिर्फ बीजेपी सदस्यों ने ही नहीं बल्कि जेसीसीजे विधायकों ने भी किया। हालांकि अब इसके बाद तमाम सवाल उठ रहे हैं, इनका जवाब जानने के लिए आइए कहीं दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। अपनी परंपरा के अनुरूप छत्तीसगढ़ विधानसभा ने इससे पहले ऐसी तस्वीर शायद पहले कभी नहीं देखी थी, जब सदन में राज्यपाल के अभिभाषण शुरू करने के ठीक पहले विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष का ये रवैया तात्कालिक था, जिसकी भनक तक किसी को नहीं थी, लेकिन इसकी सुबुघाट उसी दिन सियासी गलियारों में महसूस की जाने लगी थी, जब बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल और स्पीकर से मुलाकात कर सौंपे गए ज्ञापन में ये मांग की थी कि राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लिहाजा इसकी गरिमा बरकरार रखते हुए इसे दो सत्रों में समाहित न किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं आज जब राज्यपाल अनुसुईया उइके को अभिभाषण के लिए आना था, तो उसके ठीक पहले बीजेपी के साथ जेसीसीजे के सदस्य भी वॉकआउट कर गए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि सदन की परंपरा टूटी है और बीजेपी इसकी भागीदार नहीं बन सकती। जनता कांग्रेस की ओर से भी यही टिप्पणी की गई। एक साल में दो बार कहीं परंपरा नहीं है कि राज्यपाल का अभिभाषण, अब असंवैधानिक कार्य है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। बीजेपी जेसीसीजे के विधायकों के सदन में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले वॉकआउट करने पर सरकार ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा कि राज्यपाल का अपमान है,
विपक्ष इस मामले पर सिर्फ राजनीति करना चाहता है। मैं समझता हूँ कि इसमें विरोध करने जैसी कोई बात नहीं है, केवल राजनीति करने के लिए विरोध कर रहे हैं। बहरहाल अब देश में जब कभी भी किसी भी राज्य में संसदीय इतिहास के पन्ने पलट कर देखे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष का किया गया बहिष्कार का जिक्र बार बार किया जाएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो परंपरा की दुहाई, चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। इसलिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस विधायक हैं श्री सत्यनारायण शर्मा जी। सत्यनारायण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर साहू जी हैं, आपका स्वागत है। जेसी जी के विधायक धर्मजीत सिंह हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे और भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सचिव भगवान देव ईसाणी जी, आपका भी स्वागत है। पहले चंद्रशेखर जी आपसे सवाल है छोटा सा, आप लोग दुहाई दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगर दो दिन का सत्र हो सकता है तो आपके यहाँ क्यों नहीं हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो पिछला शीतकालीन सत्र है वो उसका सत्रावसान नहीं हुआ था और आपके यहाँ सत्रावसान हो चुका था। ऐसी स्थिति में पहला साल के पहला जो सत्र लगेगा उसमें राज्यपाल का अभिभाषण होना है, तो जब तकनीकी या तो आपके चरणदास महंत जी की अध्यक्ष जी की गलत वो थी, यहाँ अध्यक्ष जी ने भाप लिया था कि केंद्र में कुछ होना है इस कारण यहाँ सत्र बुलाया जा सकता है, अनुसमर्थन के लिए एक दिन के लिए सत्र बुलाया जा सकता है, आपके यहाँ नहीं हो पाया तो क्योंकि आपके यहाँ सत्र अवसान हो चुका था इस कारण राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करना, बहिर्गमन करना कितना जायज लग रहा है आपको? चंद्रशेखर जी आप चंद्रशेखर जी मेरी आवाज आ रही है? जी आप आ रही है जी। त्रिपाठी जी देखिए, मसला संसदीय परंपरा का जी और मान्य परंपरा का है जी। माननीय राज्यपाल जी का जी अभिभाषण मोटे तौर पे और मुख्य तौर पे बजट सत्र के शुरुआत में जी रखा जाता है जी, और ये बजट सत्र नहीं है, ये विशेष सत्र है। हाँ। ये विशेष सत्र है और इसमें कोई किसी प्रकार से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी कोई एजेंडा तय नहीं हुआ था जी। इसमें केवल अनुमोदन करना करने का विषय था जो संसद की तरफ से पारित हुआ, हमारे संविधान संशोधन का विषय था और उसमें एक दिन का सत्र, उसमें आप अभिभाषण रखेंगे, उसमें कृतज्ञता ज्ञापन रखेंगे, तो मोटे तौर पे ये लोकतंत्र के मान्य परंपराओं के खिलाफ, संसदीय परंपराओं के खिलाफ ये साफ दिखता है, मामला है। और इसीलिए पहले ही इस सत्र के आहूत होने के पहले ही संवैधानिक प्रमुख के नाते महामहिम माननीय राज्यपाल को भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से, पूरे विधायकों की तरफ से और सभी विधायकों ने वहां पर जितने हमारे वरिष्ठ विधायक हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे संसदीय कार्य के प्रमुख सचेतक हैं, इन सब मिलकर पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं वहां जाकर अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया गया, मांग की गई कि कम से कम दो दिन का सत्र रखें। यह विशेष सत्र के हवाले देते हुए यदि आप एक दिन का रखते हैं तो फिर राज्यपाल के अभिभाषण का विषय कैसे आ गया? राज्यपाल के अभिभाषण साहू जी जब भी सत्र की और नए साल में, साहू जी जब भी नए साल में जी कोई भी सत्र आहूत होता है तो पहले दिन उसमें राज्यपाल का अभिभाषण है, ये मान्य परंपरा ये है। मध्य प्रदेश में राज्यपाल का अभिभाषण इसलिए देखिए नए साल का विषय नहीं है, बजट सत्र का है जी। देखिए नया साल कहीं भी आप देखिए, अब यहाँ पर हमारे ईसाणी जी हैं जी। और स्पष्ट करेंगे जी कि विधानसभा के नियम और प्रक्रिया के तहत जो भी प्रावधान है जी उसमें आप किसी किसी विषय में कोई शब्द है तो उसका इंटरप्रिटेशन आसंदी की ओर से होता है जी। और जब आपको व्यक्त किया गया, आपकी बात नहीं सुनी गई, तब ये बात रखी गई और बहिष्कार की कोई घोषणा नहीं, उस समय बायकॉट किया गया, बहिर्गमन किया गया जी। मुझे लगता है त्रिपाठी जी थोड़ा सा बहिष्कार और बहिर्गमन के विषय को आप डिस्टिंग करिए। देखिए संसद बहिष्कार और बहिर्गमन मालूम है, यदि हम कहते हैं बहिष्कार करेंगे बहिष्कार हमें, आपने बहिर्गमन किया अपनी बात रखने के साथ,
और वो नियम और प्रक्रिया का हवाला देते हुए विपक्ष ने, और इसका साथ और भी हमारे विपक्ष के साथी हैं जी, जो कि जनता कांग्रेस के हमारे माननीय विधायक गण है जी, वरिष्ठ नेता गण है जी, वो सबने इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है और सभी ये अच्छे पार्लियामेंटियन है। और मुझे लगता है बहिर्गमन साहू जी गमन किया गया अपनी बात रखने के बाद, साहू जी साहू जी एक मिनट, बहिर्गमन नहीं अपनी बात बहिष्कार किया उसके बाद, साहू जी एक मिनट, आप अपनी बात कह चुके हैं, अपनी बात कह चुके हैं साहू जी, बहिर्गमन सांकेतिक होता है, आप अपनी कुर्सी से उठते हैं और दिल्ली से घूम के वापस आ जाते हैं, आपने पूरे राज्यपाल का जब तक भाषण चला तब तक आप बाहर थे, इसको बहिर्गमन कहेंगे, बहिष्कार करेंगे। खैर हमारे साथ सत्यनारायण जी है, सत्यनारायण जी अगर विपक्ष ये मांग कर रहा था कि दो दिन का रख लिया जाए, कृतज्ञता ज्ञापन दूसरे दिन अगर हो जाता तो इसमें बुराई क्या थी? नहीं देखिए, सीधी सीधी बात तो ये वर्ष के प्रारंभ में माननीय राज्यपाल का भाषण होता ही है, यह अनिवार्यता है जी। और दूसरी बात यह कि केवल जो अपना जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो आरक्षण का मुद्दा था उसका अनुसमर्थन करना था, एक केवल एक विषय था जी। एक विषय को लेकर के ये सरकार ने रखा कि भाई राज्यपाल का भाषण होना अनिवार्यता है, इसलिए राज्यपाल माननीय राज्यपाल का भाषण कराया जाए। माननीय राज्यपाल महोदया केंद्र सरकार के द्वारा आदेशित है, पदांकित की गई है। भारतीय जनता पार्टी अगर माननीय राज्यपाल महोदय का भाषण का बहिष्कार करेगी, इससे शर्मनाक बात दूसरी हो नहीं सकती जी। और एक तरह से देखा जाए तो केंद्र शासन की भावना के विपरीत आचरण किया भारतीय जनता पार्टी ने जी। सीधे सीधे कोई मुद्दा ही नहीं था राज्यपाल के भाषण में, अगर बजट सेशन में होता है बात सही है जी। लेकिन बजट सेशन में संशोधन लेने का की प्रक्रिया भी है, लेकिन यहाँ और कोई ऐसा प्रस्ताव ही नहीं था जिसमें संशोधन दिया जा सके। ऐसी स्थिति में कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की बचकानी कार्रवाई हम कह सकते हैं कि एक तरह से। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अगर बहिष्कार किया जाता तो समझ में आता, एक दूसरे माननीय वरिष्ठ विधायक के माध्यम ने खड़े होकर के बहिष्कार की घोषणा कर दी, नेता प्रतिपक्ष की पार्टी की मजबूरी थी जी। अगर वो नहीं करते हैं तो उसमें बंद होती है पार्टी की जी। इसलिए उनको बहिष्कार करना पड़ा, उनकी व्यवस्था थी। मैं समझता हूँ कि एक अच्छी कार्रवाई, अच्छा संदेश से नहीं गया है माननीय राज्यपाल महोदय का बहिष्कार करके जी। यही मैं बताना चाह रहा था। ये कह रहे हैं साहू जी, कह रहे हैं कि हमने बहिर्गमन किया है, बहिष्कार नहीं किया है, आपके शब्दों में क्या? साहू जी हाउस में हाउस के मेंबर नहीं जी, साहू जी हाउस के मेंबर नहीं है, हाउस की कार्रवाई में रिकॉर्डेड है जी। बहिर्गमन नहीं, बहिष्कार था जी। स्पष्ट रूप से माननीय माननीय राज्यपाल महोदय की इससे अवमानना हुई है जी, ये भी स्पष्ट जाहिर है। त्रिपाठी जी, मैं जो स्पष्ट करना चाह रहा था जी कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद कृतज्ञता ज्ञापन जी, और कृतज्ञता ज्ञापन उसी दिन नहीं होता जिस दिन अभिभाषण प्रस्तुत। हमारे दोनों वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर हैं और स्पष्ट करेंगे कि कृतज्ञता ज्ञापन के लिए एक दिन आप सत्र की अवधि बढ़ा सकते थे, उसमें क्या मजबूरी थी? क्या वैधानिक संकट आ जाता? क्या भूपेश सरकार पर कोई संकट आ जाता क्या? देखिए हर बार आप एक अपने बहुमत का जिस प्रकार से पहले आप कार्रवाई करेंगे, कार्यों को प्रक्रिया को आप ताक में रखेंगे तो ऐसे ही होगा साहू जी। ये बात विरोध दर्ज कराते हुए प्रतिपक्ष ने, साहू जी ये बात आप कह चुके हैं, उसी को बार बार दोहराने से कोई मतलब नहीं। हमारे साथ धर्मजीत जी है, धर्मजीत जी आपका क्या मत है जेसी सी जी का? जी 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 देखिए, राज्यपाल महोदय के द्वारा आज अभिभाषण विधानसभा में दिया गया जी। हमारी ये परंपरा रही है कि माननीय या माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा विधानसभा में अभिभाषण दिए जाने के बाद उसमें संशोधन का अधिकार सभी सदस्यों को होता है। हम देखते हैं कि राज्यपाल महोदय जो अभिभाषण दी हैं, अगर उसमें बहुत सी जन समस्याओं को इंगित नहीं किया गया है या उसका उल्लेख नहीं है तो हम संशोधन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय का सिर्फ अभिभाषण नहीं होता, ये सरकार के क्रियाकलाप का दर्पण होता है और प्रदेश की जनता को जानने का अधिकार है। एक पत्ते का अभिभाषण तो मैंने अपने 16 साल के विधायकी में पहली बार देखा है कि कोई राज्यपाल 4-8 लकीर का कृतज्ञता ज्ञापन पेश की हो
और उसपे क्या हम लोग भाषण देते हैं या क्या उसमें हम लोग संशोधन देते हैं। इसलिए ये तथ्यहीन और आधारहीन और बिना सिर पैर का अभिभाषण था, इसलिए उसमें हम लोगों ने बहस से भाग नहीं लिया। धर्मजी जी, सत्ता पक्ष कह तो रहे, सरकार कह तो रही है कि हम बजट सत्र के दौरान फिर से अभिभाषण रखेंगे, तब आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर देते, तब विधायकों किराए ले लेते, सदस्यों किराए तब ले लेते। आप मुझे पूरे हिंदुस्तान में किसी भी विधानसभा में, मतलब है उसका विरोध करना, आप मुझे समर्थन की बात, हम सबसे ज्यादा वरिष्ठ सत्यनारायण जी हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी विधानसभा में दो बार राज्यपाल का अभिभाषण कहाँ हुआ है, जरा तारीख सहित मुझको बता दीजिए। जी, ये नई नई परंपरा और वो भी गैर प्रजातांत्रिक परंपरा का कायम आज जो हुआ है वो बहुत ही अशोभनीय है। हमने कहा था कि आप राज्यपाल महोदय का अभिभाषण कराइए, सरकार की पूरी रीति नीति को रखिए, हमें संशोधन का समय दीजिए और उसके बाद भले आप इसको चाहते तो बजट सत्र में चर्चा करा लेते। और आज आप जो बिल लाए हैं अनुसमर्थन के लिए, उसका तो सब कोई समर्थन कर रहे हैं, सर्वसम्मति से पास हुआ है जी। पर हम उस चार लकीर के अभिभाषण में क्या संशोधन देते? प्रदेश में धान खरीदी नहीं हो रही है, प्रदेश में चारों तरफ बारिश से लोगों किसानों का नुकसान हुआ है, प्रदेश में रोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है, प्रदेश में मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा है, प्रदेश में सदन के मुद्दे पर आ जाए, प्रदेश के जो भुगतान हुआ धान खरीदी, ये मुद्दा अलग है। सत्यनारायण जी कुछ कह रहे हैं, सत्यनारायण जी। अरे भाई श्रीमान सुनिए तो, सुनिए एक मिनट सुनिए। प्रदेश का मुद्दा इसलिए आएगा कि माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हमको इन सब बातों को उठाने का अवसर मिलता है, वो बजट सेशन में अवसर मिलेगा। कोई गुंजाइश नहीं थी संशोधन देने की, कोई गुंजाइश नहीं थी, अनुसमर्थन करना था, वो विधेयक का अनुसमर्थन करना था, अगर अनुसमर्थन नहीं करना चाहते इसीलिए इन्होंने बहिष्कार किया, संदेश दिया गया जी। नहीं नहीं, हमने समर्थन किया है, हमारा भाषण हुआ है, समर्थन के लिए हमने मोदी जी को, वो बाद में मोदी जी को धन्यवाद दिया है, भूपेंद्र बघेल जी को धन्यवाद दिया है, उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था बनी है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इस बात की है कि राज्यपाल महोदय शाहिर का भाषण दिला करके आप क्या संदेश दें? भगवती जी, आपने बहिर्गमन किया था, बहिष्कार किया था अभिभाषण का। हमने बहिष्कार किया भाषण का और उसमें जो चर्चा होनी थी उसका जी, और उसमें हम एक मिनट के लिए भी नहीं आए। बहिर्गमन के बाद तो अंदर आने की गुंजाइश रहती है, बहिष्कार करने के बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती है, इसलिए हमने बहिष्कार किया और ये हमारा अधिकार है, क्योंकि हमारे साहू जी बोल रहे हैं कि उन्होंने बहिर्गमन किया है, इसलिए हमने उसका बहिष्कार, साहू जी बोल रहे हैं बहिर्गमन किया है उन्होंने। हाँ, बहिर्गमन तो हुआ है ना जी। साहू जी, राहुल जी पार्टी ने क्या बोल के किया नहीं मालूम, मैंने ये कहा कि ये राहुल जी की पार्टी भाजपा की बीम टीम है, और इसलिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बहिष्कार किया। आप बोलिए, ये बोलिए, हम जनता हमको चुन के भेजी है, हम अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, हमें किसी से पूछ के बोलने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण के बाद जो विकृत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव आएगा और विकृत रूप से चर्चा होगी उसका हम बहिष्कार करते हैं, और हमने बहिष्कार किया है, और इसी प्रकार से अगर होगा तो बहिष्कार करते रहेंगे। संविधान विशेषज्ञ ईसरानी जी हमारे साथ है। ईसरानी जी, आपको इस पूरी चर्चा में क्या लगा, कहाँ गलती है, किसने बहिष्कार किया, किसने बहिर्गमन किया, किसने संसदीय परंपराओं का अपमान किया, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो तीनों विद्वान सदस्यों को नमस्कार, छत्तीसगढ़ के जी वरिष्ठ सदस्य हैं। नमस्कार ईसरानी जी, मैं ये अनुरोध कर रहा हूँ कि जो संविधान संशोधन जो प्रस्ताव आया है केंद्र सरकार का लोकसभा में, वो संशोधन आया ही जनवरी माह में है जी, और उसको समय पे ही पारित करके अनुसमर्थन करके स्टेट्स को वापस भेजना है जी। तो ये एक विशेष परिस्थिति है कि आपको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही उसको अनुसमर्थन करके वापस भेजना है जी। ऐसे में कैबिनेट की बैठक हो, सारे नीतिगत मुद्दे तय हो, अभिभाषण प्रिंट हो और आए, ये वास्तव में व्यवहारिक रूप से दिक्कत वाला काम था, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि पर्टिकुलर डेट के बीच में आपको वापस भी करना है जी, इसीलिए ये रास्ता निकाला गया होगा, और इसीलिए शायद राज्यपाल सहमत हुए होंगे। जब राज्यपाल ने सहमति दी तभी तो वो भाषण करने के लिए आए जी, अगर वो भाषण करने के लिए आ गए, वो सहमति हो गई, तो उन्होंने राज्य सरकार की मजबूरी को समझा होगा जी, कि जब
जब लोकसभा और राज्यसभा में आया ही अभी अनुसमर्थन अभी है संशोधन जी, और तत्काल वो स्टेट को भेजा गया अनुसमर्थन के लिए और एक विशेष डेट तक उसको वापस करना है जी, तो उसमें कैसे हो पाएगा? तो इसीलिए ही संविधान के प्राविधान बने हैं। ये सही बात है कि बिल्कुल नई परंपरा है ये सौभाग्य था मंत्री विधानसभा का कि जो सत्र हुआ हमारा दिसंबर सत्र में उसका सत्रावसान नहीं हुआ था, उसमें लेट हो गया, वो लेट इनके लिए वरदान बन गया, नहीं तो मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति बनती जी। इतने जल्दी विभागों से उनके प्रस्ताव आ नहीं पाते, विभागों के प्रस्ताव आते हैं, उनकी बैठकें होती हैं, नीतिगत मामले होते हैं, और फिर देखिए अगर एक दिन का सत्र ये बढ़ा भी दिया जाता मान लीजिए तो भी उस विधानसभा के प्रक्रिया नियमों का पालन नहीं हो पाता जी, क्योंकि उसमें संशोधन का एक प्रक्रिया है, उसके बाद संशोधन के बाद उसको अभिभाषण के लिए भी 2-3 दिन का समय दिया जाता है, तो वो उसके बाद ही हो नहीं पाता। देखिए इस व्यवहारिक दिक्कत को हमको समझना होगा, तो कोई असंवैधानिक काम नहीं हुआ ये जी। हाँ, ये संविधान के प्रावधान का पहली बार उपयोग होगा जिससे राज्यपाल सहमत हुए हैं कि दूसरी बार अभिभाषण करेगा, और वो दूसरी बार अभिभाषण का प्रावधान जो है संविधान का अनुच्छेद 75 में है उसका संविधान असंवैधानिक नहीं है। हाँ, ये बात अलग है, ये पहली बार होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए पहली बार होगा, और अमूमन और विधानसभाओं में भी इसका उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां कभी आई भी नहीं जी, मेरे जानकारी में तो नहीं आई, मतलब विधानसभा में ऐसी परिस्थितियां कभी नहीं आई कि तत्काल ही कोई संविधान संशोधन आया हो, उसका अनुसमर्थन करके केंद्र सरकार को वापस भेजना पड़ा हो, और उसी बीच में सत्र अभिभाषण की भी जरूरत पड़ी हो, ये परिस्थिति भी विशेष परिस्थिति है। लेकिन अभिभाषण कराना जरूरी था क्योंकि निश्चित ये संवैधानिक बाध्यता है, अनुच्छेद 176 में जो हमारी संवैधानिक बाध्यता है कि आपको जो सत्र में पहला जो सत्र होगा उसमें चाहे वो विशेष सत्र हो, चाहे वो बजट सत्र हो, चाहे कोई सा भी सत्र हो जी, आपको अभिभाषण कराना ही पड़ेगा जी, ये असंवैधानिक बाध्यता है, तो कराना है और समय है नहीं, तो रास्ता भी इसका निकालना ही पड़ेगा। तो संविधान का मतलब अगर कहा जाए कि सम्मान नहीं किया तो साहू जी ने नहीं किया, मैंने बीजेपी ने नहीं किया अभिभाषण का बहिष्कार करके। देखिए बीजेपी अगर वहां मौजूद रही जी, फिर बहिर्गमन किया या बहिष्कार किया ये अलग बात है जी, ये तकनीकी शब्द है, शब्दावली है, लेकिन वो बीजेपी को ये भी समझना होगा कि केंद्र सरकार जो उनकी है, उन्होंने अगर संविधान का जो संशोधन किया है और स्टेट से अनुसमर्थन मांगा है तो स्टेट न करे तो मुश्किल, करे तो मुश्किल जी, तो ये राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इसमें असंवैधानिक कुछ भी नहीं है, ये एक विशेष परिस्थितियां थी जिसमें विशेष परिस्थितियों में ऐसा करना पड़ा, और मुझे बताया गया है, मुझे जानकारी ये मिली है कि एक मुद्दे को राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल किया गया, उसी में चर्चा हुई है जी, और उसी को पारित किया गया है जी, और फिर इसके बाद शायद बीजेपी और सभी लोग अनुसमर्थन के मामले में लोग आ गए, उसमें अनुसमर्थन में भाषण भी हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष का भाषण भी हुआ है और माननीय सदस्यों के भाषण भी हुए हैं, उसके बाद वो भी पारित किया गया है, दोनों को पारित किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की बड़ी अच्छी परंपरा रही है, उत्कृष्ट परंपराएं रही हैं, और ये भी अच्छी बात है कि वो बाद में आ गए और अनुसमर्थन में भाग लिया और सौहार्दपूर्ण तरीके से सत्र समाप्त हुआ, ये भी एक अच्छी बात है। साहू जी अब क्या कहेंगे आप, किसान जी किसी पार्टी से नहीं है, इसीलिए तो मैंने कहा ना जी, यदि यदि बहिष्कार होता तो वापस क्यों आते, बहुत देर बाद आए। और देखिए और कुल मिला के एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ईसरानी जी साहू जी कह रहे हैं कोई परंपरा 176 का जिक्र है जी, अनुच्छेद 175 में कहीं दूसरी बार अभिभाषण का कहीं भी प्रावधान नहीं है, आप निकलवा लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, अनुच्छेद 175 में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, केवल अभिभाषण का जिक्र है। उनके पास इसी के पास राज्य के विधानमंडल के नियमावली है, उनके पास उसको देख के बता रहे हैं, माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होगा, ये इस प्रकार से अनुच्छेद 175 और 176 का जो प्रावधान आया है उसमें कहीं दूसरी बार अभिभाषण की बात। साहू जी साहू जी सुन तो लीजिए, अरे साहू जी सुन तो लीजिए, इसराइल जी लोगों की अभिव्यक्ति की बात है, अरे इसराइल जी दिन का होता था क्या, बिजनेस नहीं हो सकता था क्या, साहू जी सुन तो लीजिए, कौन सा पहाड़ टूट जाता आपका साहू जी, ये तो सरकार साहू जी सुन तो लीजिए कि आप एक दिन में सब कुछ ले आते, अरे साहू जी सुन तो लीजिए, इसराइल जी बता रहे हैं जो आप बोल रहे हैं 175 के पे, इसराइल जी मैं सुन रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ साहू जी कि अगर 176 संविधान का जो अनुच्छेद 176 है उसमें पहले साल में पहले सत्र में होगा
और नई विधानसभा गठित होगी तो पहले सत्र में भी होगा, ये प्रावधान है। अगर एक बार ही अभिभाषण करने का प्रावधान होता, दूसरा जिक्र नहीं है, नहीं तो 175 क्यों रखा गया? जिक्र नहीं है, नहीं तो अनुच्छेद 175 क्यों रखा गया ये बता दीजिए। अच्छा चलिए, आप 175 इसलिए का कि वो उसमें राज्यपाल अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे, ये राज्य विधानमंडल का अभिभाषण प्रस्तुत करेंगे प्रक्रिया के तहत। 176 में अभिभाषण प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया है चर्चा करके, और ऐसे नहीं, वो अलग बात है, चर्चा हुई या नहीं हुई अलग बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब 176 का प्रावधान है एक अभिभाषण का, तो उससे अगर पूर्ति होती होती 175 रखा क्यों गया? फिर रखा इसलिए गया कि राज्यपाल को ये अधिकार दिया गया कि आप दूसरी बार तीसरी बार, ये नहीं हुआ ये अलग बात है, पहले कोई परंपरा नहीं पड़ी अलग बात है, लेकिन अगर वो रखा गया है तो राज्यपाल को अभिभाषण दूसरी बार तीसरी बार करने का अधिकार दिया गया है, विशेष संदेश देने का अधिकार दिया गया है। जब दिया गया है तो उसका उपयोग हो तो गलत क्या है उसमें? जी सदर जी, आप कुछ कह रहे थे, साथ में हमारा एक सवाल यह है, रिपीटेशन की बात कहीं नहीं आई, प्रावधान में रिपीटेशन की बात नहीं है, आप खोल के देख लीजिए। ये सदर के नेता ने, माननीय अध्यक्ष जी ने और नेता प्रतिपक्ष ने आपसी सहमति के बाद ये सब कार्रवाई हुई है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि असावधानी कार्रवाई हुई है जी। ये तो नेता प्रतिपक्ष बहुत खामोश थे जी। ये तो ईसरानी जी भी बोल रहे हैं कि कोई असंवैधानिक नहीं कार्रवाई हुई है, लंबा समय उन्होंने पूरा गुजार दिया सत्यनारायण जी। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण बजट सत्र के पहले क्या राज्यपाल का अभिभाषण फिर से कराएंगे और उनमें बिंदु रखेंगे और सारे सदस्यों को उसमें सुझाव देने के लिए? तौर पर बजट सत्र के समय जी बजट, ये हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया है, बजट सेशन में राज्यपाल महोदय का दोबारा भाषण होगा, उसमें इनको संशोधन प्रस्ताव देने का अधिकार है, वो देंगे, चर्चा होगी, नियमानुकूल बात होगी। इस प्रस्ताव में तो संशोधन देने की कोई गुंजाइश तक नहीं थी जी। क्या संशोधन देते, कोई गुंजाइश तक नहीं थी, केवल अनुसमर्थन का मामला था जी। इसको ये नहीं समझ पाए, अनुसमर्थन सबने किया है, पूरे सदन ने किया है, अरे सब समझ से फिर बहिष्कार क्यों किया? नहीं, बहिष्कार दूसरे विषय का था, बहिष्कार अभिभाषण को लेकर था। तो ये नियम में है, अगर 176 अनुसमर्थन वाला दूसरा विषय, दो एजेंडा, आपने दो एजेंडा रखा है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश माननीय माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण का बहिष्कार करेंगे। राम जी अपने अधिकार का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और भाई अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति साहू जी आरक्षण का प्रावधान, साहू जी राजनीति कह रहे हैं कि कभी भी असंवैधानिक नहीं है, कहां करके आप अनुसमर्थन? देखिए, अगर अगर अभिभाषण नहीं कराते तो ये असंवैधानिक होता। अब बोलिए साहू, अगर ये अभिभाषण नहीं होता तो ये असंवैधानिक होता। दो विषय रखना इनकी मजबूरी थी, एक तो अनुसमर्थन करना जरूरी था और अभिभाषण करना जरूरी था, ये डिबेटेबल है, ये विषय नहीं रखते तो असंवैधानिक होता, वो कोर्ट में चल रहा है, ये विषय डिबेटेबल है, ये मैं कह रहा हूँ आज भी, ये विषय डिबेटेबल है, बस का मुद्दा है ये कि आपके बाध्यता कहाँ पर है कहाँ नहीं है, बस तो हो ही नहीं है, आपके नियमावली में किस प्रकार से है प्रावधान, नियमावली में आप शब्दों में जाएंगे कि आप कहें कि इसमें पुनरावृत्ति की रिपीटेशन की बात नहीं लिखी गई है तो फिर उसको समझने वाली बात है। नियमावली क्या है? नियमावली संविधान से ऊपर थोड़ी है साहू जी, नियमावली संविधान के तहत ही बनी है, संविधान तो हमारा मूल नियम है ना। मैं भी ये कहता हूँ, हाँ, तो संविधान के प्रावधान का पालन कैसे नहीं करेंगे आप? करना ही पड़ेगा आपको, असंवैधानिक काम नहीं कर सकते। तो मैं उसी के लिए, मैंने इसीलिए राज्यपाल के जो विधि सलाहकार है उन्होंने सही सलाह दी, वो 175 176 बता के आपसे बात यही हुई, पूरी तरह से नासमझी का काम किया इन लोगों ने। कुछ लोग तो पूरी किताब पढ़ के नहीं समझते, पूरे कागज को देख कर मजबूत समझाते हैं साहू जी, लेकिन ये जन भावनाओं की अभिव्यक्ति हमारे विधायकों ने की है, और जो जिम्मेदार लोग हैं ऐसा नहीं है, 15 साल से आप देख रहे हैं पूरे विधानसभा में कभी ऐसी स्थिति आई नहीं छत्तीसगढ़ में, और 15 साल क्या उसके पहले से भी, तो ऐसी स्थिति सत्ता लोगों का जिस प्रकार से हठी रवैया रहा है, अब तो इस प्रकार से आपको रॉन्ग बॉक्स में खड़ा करने का आपका दिख रहा साहू जी, हट तो आपका दिख रहा है, जब संवैधानिक बात हो गई, सारे नियम कायदे बता दिए, तो हट तो विपक्ष का दिख रहा है यहाँ पे। नहीं, कोई हट वाला विषय नहीं है, जो इवेंट हो गया उस पर बातचीत हो रही है। चलिए, हम हट कहाँ कर रहे हैं धर्मजीत, इवेंट हो गया वो विषय है धर्मजीत जी। अभी सत्यनारायण जी ने कह दिया है कि
बजट सत्र के पहले अभिभाषण भी होगा, कृतज्ञता ज्ञापन भी होगा, आप लोगों के जितने भी माननीय सदस्य हैं सबके सुझाव भी लिए जाएंगे, नियमानुसार जो भी होगा। अब आप संतुष्ट हैं? ठीक है, इसमें नहीं कह पाए जी 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 नहीं, ये तो संवैधानिक मजबूरी है, महामहिम राज्यपाल का बजट सत्र के पहले कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव कराना ही पड़ेगा, वरना ये बजट सत्र ही अवैध हो जाएगा। जी, ये उनकी मजबूरी है और ये संवैधानिक व्यवस्था है और संवैधानिक प्रावधान है। आज के राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसमें उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित की जाए, क्योंकि राज्यपाल महोदय का चार लकीर का तो भाषण है कि मैं अभिभूत हूँ, मैं बहुत भावुक हूँ छत्तीसगढ़ विधानसभा में आकर के। तो अब इस तरीके के कृतज्ञता ज्ञापन का प्रस्ताव मैं तो पहली बार देखा हूँ, अब ये बाकी देखे होंगे, मजबूरी होगी। तो हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण न हो, हमने ये कहा था कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण कराने के पहले सरकार का जो एक महीने के बाद जो कृतज्ञता ज्ञापन रखना है उसे पहले आज एक मिनट शर्मा जी एक मिनट आज ही पेश कर लीजिए और इसमें चर्चा बजट सत्र में हो जाएगी। मतलब बजट सत्र की शुरुआत ही चाहते तो आज कर सकते थे, पर सरकार डरी हुई है क्योंकि धान खरीदी हो नहीं रहा है, बिजली पानी मिल नहीं रहा है, कानून किस बात का जिक्र करेंगे। डरी हुई है तो बजट सत्र में वो बोल रहे हैं, बजट सत्र कराएंगे, चर्चा भी कराएंगे। आप भाषण में इन्हीं सब बातों का जिक्र होता है भाई साहब, इन्हीं सब बातों का जिक्र होता है, ये बजट सत्र जब होगा सब बातों का जिक्र होता है, इसके ऊपर भाषण होते हैं। बजट सत्र जब होगा तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी जी। अरे बजट सत्र भी तो पूरे नहीं हो रहे हैं, छह दिन का सत्र होता है चार दिन में खत्म हो जाता है, पांच दिन का सत्र होता है दो दिन में खत्म हो जाता है, वो तो ठीक से कम कराने को बोलिए आप अपने चैनल से। ये परंपरा तो बीजेपी ने डाल दी है, पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। सत्यनारायण जी गवाह है कि जब कांग्रेस की मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सरकार थी तो दो दो तीन तीन महीने के सत्र होते थे, इसकी परंपरा तो बीजेपी ने डाल दी है। यहाँ शिवराज जी और महारमन सिंह जी ने जी 15 सालों का यही दुष्परिणाम रहा है इनके लिए, लेकिन कभी भी गुलोटिन नहीं हुआ है। त्रिपाठी जी देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा केवल किसी पार्टी है उसकी बात नहीं करें, कभी भी किसी विषय पर गुलोटिन नहीं हुआ और कभी ऐसी स्थिति आई नहीं, हमेशा मान्य परंपरा रहा है। और आज भी देखिए, जो वेल पर आते हैं स्वयं वो वहां से निलंबित हो जाते हैं, ये परंपरा भी आप कायम रखिए। विधानसभा ही एक ऐसा मंच है जहां जनता की समस्याओं को हम उठा सकते हैं, उनकी बात कर सकते हैं। सरकार जितने बार कृतज्ञता ज्ञापन कराना है कराए, चर्चा से भागे मत, हम चर्चा करने को तैयार हैं। और आज भी हमारी मांग यही थी कि अगर ये विस्तृत अभिभाषण होता तो इसमें चर्चा होती, लेकिन जब विस्तृत अभिभाषण नहीं था तो हमने कहा विकृत विकृत कृतज्ञता ज्ञापन पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हमने आरक्षण का समर्थन किया, विधानसभा में भाषण हुए और हमने आरक्षण का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दिया और दिल्ली के प्रधानमंत्री मोदी जी का अवसान हो गया, समय नहीं था, इसे हमारे भी इस डिबेट का समय समाप्त हो गया है, माफ करिएगा, इसमें और आगे बढ़ा जा सकता था, निश्चित तौर पर फिर से इस पर डिबेट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मजीत जी आपका भी, सत्यनारायण जी आपका, चंद्रशेखर जी आपका, हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज जो हुआ निश्चित रूप से इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। परंपरा के नाम पर जिस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार विपक्ष ने किया, उसने कहीं न कहीं सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है और राज्यपाल का भी अपमान किया है। हालांकि आज जो कुछ हुआ उसके लिए सत्ता पक्ष भी कम कम जिम्मेदार नहीं है। चर्चा के बाद ये कहा जा सकता था कि भूपेश सरकार ने भी कहीं न कहीं सदन की मान्य परंपराओं का ध्यान नहीं रखा। विपक्ष जो लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि सत्र को एक दिन के बजाय दो या उससे अधिक दिन तक कर दिया जाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष हरदास महंत ने मांग नहीं मानी, लिहाजा आज जो स्थिति बनी वो उसी का ही परिणाम था। खैर, छत्तीसगढ़ के बाद अब रुख मध्य प्रदेश का करते हैं, जहां विधायक खौफ